लोकतंत्र के महापर्व का समापन हो चुका है, अब तो बस इंतजार है, वो है रिजल्ट का। हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि आखिरकार इस बार सरकार किसकी बनेगी। क्या फिर से देश की जनता पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है या फिर किसी और को मौका देना चाहती है। फिलहाल तो सातवें चरण के चुनाव खत्म होते ही सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी थी कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। सबने बड़े चाव से शाम को अपना पसंदीदा न्यूज चैनल ऑन किया, लगे देखने कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। लेकिन इन सब में थोड़ी अजीब सी बात ये होती है ना कि अगर आप न्यूज चैनल खोलते हैं तो हर न्यूज चैनल का खुद का अपना एग्जिट पोल होता है, तो जो कि आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखिए ना, अगर आप न्यूज 24 चाणक्य के माध्यम से देखते हैं तो उस पर आपको बीजेपी को 276 सीट, यूपीए को 46 सीट, अन्य को 220 सीट देखने को मिलता है। वही अगर आप न्यूज एक्स नेता के माध्यम से देख रहे हैं तो एनडीए 242 सीट, यूपीए 165 सीट और अन्य को 136 सीट वो चैनल दे रहा होता है। अगर आप एबीपी का नीलसन के माध्यम से देखते हैं तो आपको एनडीए 267 सीट, यूपीए 127 सीट और अन्य को 148 सीट वो चैनल दे रहा होता है। लेकिन एनडीए हर एग्जिट पोल में सबसे आगे ही दिख रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर लोगों का अलग अलग रिएक्शन देखने को मिला, तो चलिए बात करते हैं उन रिएक्शन पे। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शन पे बात करते हैं। ट्विटर पर चौकीदार राम नाम के एक यूजर ने मायावती का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि बहन जी इज इन तोरोमा आफ्टर एग्जिट पोल। इसका मतलब है कि बहन जी हमारे यानी कि मायावती काफी घातक स्थिति में। उन्होंने एक फोटो भी मायावती की साथ में साझा की। वही दूसरे यूजर है निष्कर्ष नाम के, जो लिखते हैं #exitpoll2019 says देश मोदी के साथ। वही अर्पित तिवारी नाम के एक यूजर ने ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए उनकी फोटो पर हिटलर की मूंछ को फोटोशॉप कर दिया। इनका रिएक्शन बताने से पहले बता दूं कि अर्पित थोड़ा संभल के, आजकल ममता जी काफी गुस्सा हो रही हैं। तो इन्होंने लिखा कि रिमेम्बरिंग इंच इंच का बदला लेबू, मतलब कि याद कर रही हूँ इंच इंच का बदला लूंगी। एक यूजर है सर जरेजा फैन से, उन्होंने ट्विटर पर एक कमेंट किया है, उस पर उन्होंने लिखा है कि एक्सट्रीमली सैड और डिसअपॉइंटेड टू सी की #exitpoll2019 360,000 लगभग डूब गए। भाई साहब, पहले आपको ये तो बता दूं कि सट्टा बाजारी जो है ना बहुत ही बेकार चीज़ है, तो इन सब में पैसा मत लगाइए। उसके बाद एक यूजर है अमित नाम के, ट्विटर यूजर ने लिखा कि पार्टी समर्थकों को सलाह दे रहा हूँ। अमित अपने ट्वीट में लिखते हैं कि किसी न्यूज चैनल का एग्जिट पोल पसंद ना आ रहा हो तो खिसियाइए मत, चैनल बदल लीजिए। जो कि मैंने बताया कि हमारा भी इसी पे है कि हर चैनल अलग अलग दिखाता है, तो उन्होंने भी यही लिखा कि खिसियाइए नहीं, चैनल बदल लीजिए, सब अच्छा लगने लगेगा, हम चले कुल्फी खाने क्योंकि आई तो राजा मोदी है। इसका मतलब है कि वो कुल्फी खाने जा रहे हैं लेकिन आएगा तो मोदी ही। एक यूजर है सुनील नाम के, जिन्होंने ट्विटर पे मोदी की एक तिलक लगाते हुए फोटो शेयर की, साथ ही लिखा मोदी 2.0 इनकमिंग, बर्नॉल फॉर हेटर्स, यानी कि जो मोदी को नहीं पसंद करते हैं उनके लिए बर्नॉल है क्योंकि वो जल रहे हैं। साथ ही फोटो पर लिखा था राज तिलक की तैयारी करो, आ रहा है भगवादारी। एक यूजर है लव यू टू ऑल नाम के, उन्होंने लिखा आप ये चेकिंग देयर सीट टैली इन एग्जिट पोल। उन्होंने साथ में एक फोटो लगाई थी जिसमें सब चेक कर रहे थे अपना रिजल्ट, तो उन्होंने इस फोटो के माध्यम से दिखाया कि आप पार्टी कैसे अपने सीट को नीचे से चेक कर रही है। एक यूजर है ट्रोल बाजार नाम के, उन्होंने अलग अलग तरह की इमोजी हर पार्टी के आगे डालकर कमेंट किया और उनका रिएक्शन किया। तो ये तो कुछ ही रिएक्शन थे जो हमने आपको दिखाए। फिलहाल अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको हर जगह यही सब देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल में तो मोदी सरकार दोबारा बनते हुए दिख रही है, सोशल मीडिया में भी मोदी समर्थकों में भारी उत्साह दिख रही है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 23 मई को जो रिलीज होने वाली है, तब तक सस्पेंस का मजा लीजिए और बने रहिए द चौपाल के साथ। मैं चलती हूँ, धन्यवाद।